for creating tarsia puzzles. first we have to download the tarsia software. type here tarsia. i have already downloaded. here is the tarsia 2.0. okay? you will get the screen like this. you can download here for free version. formulated tarsia 2.0 free. okay? i have already downloaded. therefore i am showing you the direct. here is the tarsia. दिस इज द स्क्रीन ऑफ टार्शिया टार्शिया डोमिनो एंड कार्ड वी वॉन्ट टू मेक ए जिक्सो पजल ओके अगर मुझे जिक्सो पजल्स बनानी है तो उसके लिए ये वाला खोलना पड़ेगा तो जब हम न्यू करेंगे तो सबसे पहले वहां पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ निकलेंगे देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टार्शिया पजल्स फॉर्मुलेटर अब इसमें डिफरेंट टाइप्स रेक्टेंगुलर एंड लार्ज रेक्टेंगुलर स्टैंडर्ड वो और यहां पर लिखे कि कितने पीसेस बनेंगे उसके देखिए स्टैंडर्ड रेक्टेंगल्स ओके इट हैज ट्वेल्व पीसेस ओके तो नाउ आई हैव सिलेक्टेड द एक्सटेंडेड रेक्टेंगुलर ओके नाउ पुट ओके बटन यस

क्योंकि हम लोग अगर मैथामेटिकल एक्सप्रेशन अगर डालेंगे तो ये सारे टूल बार सिंबॉल्स की जरूरत पड़ती है और इस एरिया को हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया ये बीच वाला जो एरिया है ये कहलाता है डॉक्यूमेंट एरिया और नीचे है बॉटम नेविगेशन बार दिस इज ए बॉटम नेविगेशन बार ये है स्टेटस बार लास्ट में जो हम लोग स्टेटस देखेंगे दिस इज द स्टेटस बार इज द अंडर द बॉटम नेविगेशन बार एंड दिस इज ए राइट हैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बार है राइट हैंड नेविगेशन बार यहीं से हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस का सिलेक्ट करते हैं तो हम लोगों ने एक्सटेंडेड रेक्टेंगुलर ली हुई है तो जिसमें हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बनाने हैं वो यहां से आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेवनटीन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेवनटीन ओके तो अब यहां से हम ये यह एरिया यहां पर फर्स्ट इसमें हम लोग नोट करेंगे क्वेश्चन सपोज हमको कोई भी क्वेश्चन यहां लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें हमको लिखना है क्वेश्चन लिखना है यहां पर लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एनीथिंग ओके एरिया ऑफ रेक्टेंगल और नीचे लिखेंगे एल इंटू बी आंसर ऑफ दिस एल मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ इसी तरीके से हमको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मार्क करना है वन नेक्स्ट क्वेश्चन टू थ्री फोर एंड ऑल द क्वेश्चन वी टू राइट ओके तो बॉटम नेविगेशन वार से हम लोग अपना ये तो हमारा इनपुट है सेकेंड पोर्शन आएगा टेबल वी कैन सी ऑल द इन द टेबल फॉर्म एंड आउटपुट ऑफ दिस टार्शिया दिस इज द आउटपुट एंड द सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी एक मेक्ट है मैं उसको खोल के आपको दिखाना चाहूंगी टारशिया कि किस तरीके से बनेगी ओके ऑलरेडी मेरी तैयार है एक यहां पर टार्शिया इन एपी क्लास टेन स्टूडेंट्स के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके दिस इज ए हियर इज ट्वेंटी फोर क्वेश्चन इफ आई वॉन्ट टू द सेम क्वेश्चन नंबर सी सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर एंड फोर नंबर एंड ऑल द क्वेश्चन आई हैव टाइप टाइपर यहां से हम लोग डायरेक्ट जम्प करके किसी भी नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं ओके तो दिस इज द इनपुट इनपुट ऑफ दिस एंड देन गेट द टेबल फॉर्म ओके ओकेर इज द क्वेश्चन एंड द आंसर्स क्वेश्चन एंड आंसर वी कैन चेक ऑल द क्वेश्चन आर इन दिस एंड आंसर्स दिस इज द इनपुट एरिया नेक्स्ट आउटपुट दिस इज द आउटपुट ऑफ टाशिया ये आउटपुट ओके एंड तैयार यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस इज़ दिस। ये तैयार है अब हम लोग इसको पीसेस में कट करके बच्चों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और इसका हम लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं इस टार्शिया को हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल करके बना सकते हैं तो यही है यह आपको अगर यहां क्वेश्चन लिखना है जैसे ही आप इनपुट बार खोलेंगे तो आपको ये सारे सिम्बल्स सिस्टम बार फॉर्मुलेटर टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार सिस्टम मेन्यू एवरीथिंग यू कैन यूज द सिंबल्स फ्रॉम हियर इन टाइपिंग मैथमेटिक्स सो मैनी सिंबल्स आर हियर ये ऐसा नहीं सिर्फ मैथ्स के ही लोग इसको यूज नहीं करते हैं इसको हम लोग और भी सब्जेक्ट्स में बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए टार्शिया पसल क्रिएट की जा सकती है इट इज ए वेरी गुड टूल फॉर द स्टूडेंट्स टीचर्स इसको अपने क्लास में बहुत अच्छे से कर सकते हैं टाइपिंग आराम से होती है और इसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट भी ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं कोई भी टार्शिया में प्रिंट कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं बहुत सारे इसमें ये है दिस इज ए प्रिपेयर टार्शिया प्रिंट आउट टार्शिया जो टार्शिया बनाई थी उसी का ये प्रिंट अब हम लोग इसको पीसेस में कट करेंगे लाइक like दिसको हम लोग किसी भी साइज के पेपर पर प्रिंट ले सकते हैं और इसको पीसेस में कट करके सेपरेट करेंगे पोर्शन को ओके okay? These are the pieces of Tarsia puzzle and it is gave to, given to the students and they will arrange according to the with their answers. Question along with answer. One side question another side is answer. You can arrange. Okay. एक साइड क्वेश्चन है और दूसरी साइड उसका आंसर लगाना है इस तरीके से इसको अरेंज करना है बच्चे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द आंसर्स दे विल अरेंज ओके दिस इज अ वन वन पीरियड एक्टिविटी ओके सी द आंसर ऑफ सम ऑफ एन नंबर्स एन एन प्लस वन बाय टू ओके नेक्स्ट इज दिस एंड वी कैन चेक द solution of this question p equal to four. total twenty four questions are solved in this.